मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा पहुंच पहुंचे डागमंगलो पहुंच में बीजेपी लीडरान कारकुनान और जिला तरक्याती कमिश्नर ने किया इस्तकबाल। सड़क न होने की वजह से हल्का पंचायत चकोल कठुआ के अवाम मुश्किलात से दो चार वफ्त जिला तरक्याती कमिश्नर से मिला, खवातीन और बच्चे भी हुए वफ्त में शामिल। कौन सा गाँव है आपका? क्या समस्या है? सारे लोग आए थे कि यह समस्या एक रोड की जेडे के कम से कम हजार कोला ज्यादा तो 1500 की पॉपुलेशन होनी है, उनका रोज अप डाउन करते जी आखा दी कुछ सारे मैक्सीम जो सारे नौजवान बच्चे ने आर्मी से बाहर काम करते बाहर जिस जन्दे ने तो उनके माता पिता या उनके घर के जो होंगे तो उस यात्रा के तहत क्या करना है हम लोगों को कि जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यानी कि जो लोग जैसे पिट्ठू वाला हो गया या फिर जो आपके पार्टी वाला हो गया या कोई भी वर्कर जो अमरनाथ यात्रा में सर्विस अपनी प्रोवाइड करना चाहते हैं जो रामबन जिला के बाशिंदे हैं जो रामबन ज़िला में रहते हैं उन लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। हमने फिलहाल जो फर्स्ट फेज है पहला मरहला है उसके अंदर हमने जो हमारा ऑफिस ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उस ऑफिस के अंदर हम लोगों ने अपना जो दफ्तर है वहाँ पर हमने एक सेंटर कैंप बनाया है अवेयरनेस कैंप काउंटर लगाया गया रजिस्ट्रेशन काउंटर जहाँ पे हमारे जो तीन अफसर हैं वहाँ पे जो रहेंगे दफ्तर के वो उन लोगों की रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करेंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह लिखवाई गई हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तस्दीक हुसैन मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इजाफी चार्जेस वसूलने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है वहाँ हम एक्ट कर रहे हैं। परसों मेरे पास एक स्कूल की शिकायत आई थी एंड हमने उस स्कूल की उस स्कूल की मैनेजमेंट बॉडी को हमने विथड्रा किया हुआ है। मैनेजमेंट बॉडी बीइंग द प्रीरिक्विजिट फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, तो जो हमारे हद अख्तियार में होता है एज पर द स्कूल एजुकेशन एक्ट और जो एस आर ओ है उसके तहत जो भी कार्रवाई करनी होती है तो वी आर टेकिंग। एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली हम इसलिए ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं उठा रहे कि उस स्कूल को बंद करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि हमारे ही बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वी डोंट वांट टू वेस्ट द एकेडमिक कैरियर ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन साथ ही साथ हम उनको एक वार्निंग भी देते हैं। वी विल बी विथड्रॉइंग एंड वी विल बी जो उनकी जो एडीसीजे के पुलिस ने बस अड्डा जम्मू का दौरा किया, लिया जायजा, दी अहम हिदायत। डीसी मैम इसको पर्सनली वॉच कर रहे हैं, डेली का हम सुबह शाम अपडेट्स लेते हैं, फोटोग्राफ शेयर होते हैं ग्रुप पे, डायरेक्शंस पास की जाती हैं अगर कुछ गलतियां निकलती हैं, तो ऐसी ड्राइव चलती रहेगी ताकि जब तक हम इस नए बस स्टैंड को पूरा अच्छे से फंक्शनल ना कर दें और गवर्नमेंट का जो इतना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको एक टाइप से इंश्योर करें कि वो इफेक्टिवली यूज़ हो। कुछ सजेशन बॉक्सेस के हाल लगाए जाएंगे ताकि अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो वो तो आप तक पहुँचा। बिल्कुल, आपका ये सुझाव भी लेते हैं, एक दिन तक उसको थोड़ा सा कम कर। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से श्रीनगर में G20 वाकथॉन
रैली बरामद, स्कूली तलबा ने की बड़ी तादाद में शिरकत, डीसी श्रीनगर भी हुए शामिल। और तमाम हमारे जो स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साबिक वजीर आला इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी लीडर तरुण चिग ने केरला की सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार किया, ममता बनर्जी पर लगाया मुल्क में वोट बैंक हासिल करने के लिए फूट डालने का इल्जाम। भारत को अब ISIS की ह्यूमन सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर रहना है कि उसको तोड़ना है? क्या हम ह्यूमन बम सप्लाई करने की चेन और ह्यूमन बम्स के लिए वुमेन स्लेव सप्लाई करने के लिए जमीन उपलब्ध है कि उस बीमारी को रोकना है? ये एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है, ये बीमारी है। इस बीमारी की दवा करने की जरूरत है, ना कि इस बीमारी को दबाने की। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा है। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक। श्रीनगर लह हाईवे अगले 3 रोज के लिए बंद कर दी गई, ताजा बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से की गई आमदरफ्त बंद। लह हाईवे बंद रहेगा क्योंकि रोजाना से काफी ज्यादा बर्फबारी और स्लाइडिंग हुई है, उस वजह से अटाकिर की जानेब से श्रीनगर लह हाईवे बंद रखा गया है अगले 3 दिन के लिए। सभी गाड़ी वाले और पैसेंजर जो करगिल लद्दाख के लिए निकले हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि अगले 3 दिन तक श्रीनगर लेह हाईवे बंद रहेगा क्योंकि रोजाना से काफी ज्यादा बर्फबारी और स्लाइडिंग हुई है, उस वजह से अटाकिर की जानेब से श्रीनगर लेह हाईवे बंद रखा गया है अगले 3 दिन के लिए। गैर सरकारी तंजीम जम्मू कश्मीर पब्लिक वेलफेयर फ्रंट का इशार दिगवार मलदियाला के मुख्तलिफ इलाकों के स्कूली बच्चों में कापियां, पेंसिलें और दीगर अशिया की गई तकसीम। देखिए हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को खत्म करने के लिए ये सबसे जरूरी है कि हमारे जितने देश के बच्चे हैं उन सबको शिक्षित करवाया जा सके। ये शिक्षा एक वो हथियार है जो हर जिससे हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, चाहे लड़ाई गरीबी को लेकर हो, चाहे लड़ाई बेरोजगारी को लेकर हो और चाहे ये लड़ाई भूखमरी को लेकर हो। हमें गांव के जितने भी दूर दराज के स्कूल हैं उन सब में पहुँच कर ये जितने भी गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं, हमारा ये एक जाती फर्ज बनता है कि हम वहाँ पर पहुँच कर उनको एजुकेशन के बारे में अवेयर करें, एजुकेशन की जो वैल्यू है उनको समझाएं, एजुकेशन की लाइट के बारे में उनको बताएं ताकि ये बच्चे अपने भविष्य को अच्छे तरीके से बनाए।